दोस्तों अभी कुछ रिपोर्ट वगैरह सामने आ रही है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आईफोन 13 में हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर देखने को मिलने वाला है। वाह, लेकिन ये चीज हमें एंड्रॉइड में कब तक आती हुई देखने को मिलने वाली है दोस्त? ओ मेरे भाई, ये चीज एंड्रॉइड में 5 साल पहले ही आ चुकी है। हाँ तो दोस्तों, सैमसंग की तरफ से फाइनली कंफर्म कर दिया है कि वो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 को लॉन्च करने वाले हैं। उन्होंने उनके लॉन्च इवेंट जो होने वाला है अनपैक्ड इवेंट, उसके बारे में उन्होंने काफी सारी डिटेल वगैरह दे दी है। साथ ही उन्होंने यानी जो गैलेक्सी Z Fold 3 आने वाला है उसके रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ वगैरह सामने आई है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। साथ ही में यहाँ पर जो और खबर निकल सामने ये आ रही है, यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 होने वाला है वो मोस्ट पावरफुल एंड्रॉइड फोन होने वाला है जो कि अब तक लॉन्च हुए उनमें से। और ये भी बताया जा रहा है कि जो सैमसंग का गैलेक्सी S21 अल्ट्रा जो कि अभी तक का बेस्ट स्मार्टफोन होने का, जो सैमसंग की S21 सीरीज से आता है, उससे भी वो बेटर स्मार्टफोन होने वाला जो अभी तक खबर निकल कर आई है। तो इसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बहुत कमाल की दोस्तों ये वीडियो होने वाली, तो फटाफट से दोस्तों हमारे आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले इसके ऑफिशियल लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सैमसंग ने ऑफिशियली उन्होंने जो अनवील कर दिया है। तो उन्होंने वहां पर जो उसका टेगलाइन जो यहां पर यूज करी, उन्होंने वहां पर ये करी, यहां पर लिखा उन्होंने गेट रेडी टू अनफोल्ड। यहां पर यानी कि अनफोल्ड से तो आप समझ ही गए होंगे, यहां पर फोल्डिंग फोन की यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर हमें चार चीज़ें यहां पर हमें दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस इवेंट में आपको चार चीज़ें लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली जो कि गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होने वाला है जो कि बहुत जल्द आपके बहुत करीब आ गया है, वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही में एक बड़ी बात उसमें आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि यहाँ पर हमें कोई भी नोट सीरीज का फोन लॉन्च होते हुए देखने को नहीं मिलने वाला है। ये अब तक यहाँ पर ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि सैमसंग के अनपैक्ड इवेंट में हमें यहाँ पर नोट सीरीज का कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, ये पहली बार होने वाला है। और यहाँ पर आपको पता ही होगा चिपसेट कुछ लफड़े वगैरह चल रहे हैं, उस चक्कर में वो यहाँ पर लॉन्च नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो चार चीज़ें लॉन्च होने वाली है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें Z Fold 3 लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, एक Z Flip 3 स्मार्टफोन भी आता हुआ देखने को मिलने वाला है, और वॉच 4 भी यहाँ पर आपको गैलेक्सी वॉच 4 लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। साथ ही में गैलेक्सी बर्ड्स भी यहाँ पर आपको गैलेक्सी बर्ड्स 2 यहाँ पर भी आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों अगर इसके बात करें अगर इवेंट के टाइमिंग, तो यहाँ पर आपके अलग अलग रीजन के टाइमिंग्स आप यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ये टाइमिंग्स होने वाले हैं। साथ ही मतलब यहाँ पर इस सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 में हमें स्नैपडन का 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि अभी काफ़ी सारे स्मार्टफोन में हमें यह प्रोसेसर यूज़ होता हुआ देखने को मिलाएगा। OnePlus 9 Pro में भी यहाँ पर हमें देखने को मिलाएगा। और यहाँ पर बहुत सी खबर दोस्तों ये आ रही है यहाँ पर हमें हीटिंग इशू होता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत सारे यहाँ पर रिव्यूज वगैरह सामने आए, यहाँ पर गेमिंग के दौरान पता चला कि यहाँ पर हमें हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सैमसंग ने काफ़ी अच्छे लिख्स डाले गए एच न्यूज, उन्होंने उनके ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके ये बताया कि यहाँ पर जो हमें सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 में यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 888 वाला जो प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है वह पर हमें हीटिंग इशू काफ़ी कम देखने को मिलने वाला है अगर आप डेली गेमिंग करने वाले हो, उन्होंने साथ में ये भी लिखा है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है यहाँ पर आपको S21 अल्ट्रा जो स्मार्टफोन है उनका गैलेक्सी S21 अल्ट्रा उससे भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर हीटिंग इशू यानी उससे भी कम होता हुआ देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस उससे थोड़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है क्योंकि वहाँ पर भी हमें सेम चिपसेट ही देखने को मिलता है। साथ यहाँ पर हमें बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। हाँ तो ये तो हमारे पास सामने इसके जो डिटेल इवेंट से रिलेटेड आई वो मैं आपको बता दिए। इसका लॉन्च बहुत करीब आ चुका है जो कि बहुत बिल्कुल पास में हैगा, तो इसकी और इसके लॉन्च के बाद इसकी और कुछ क्या फीचर आने वाले हो तो हमें लॉन्च के बाद ही पता चलने वाले। तो दोस्तों आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज कल दोस्तों मेरा नाम है सूरज, आप देख लो सारा टेक्निकल, मैं मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।